भारत एकता मिशन के अंतर्गत आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर सोमवार सुबह स्थानीय अंबेडकर चौराहे से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा धावकों ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सभी को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में देश भर में सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर एकता दौड़ का भी आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ करीब 4 किलोमीटर की रही, जिसमें विजेता धावकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने पर धावकों को SDOP नीलम कन्नौज, सुरक्षा समिति संयोजक भूपेंद्र पंचोली, राशि जायसवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मेडल प्रदान किया गया। मैराथन के पूर्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बैठवा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का अभी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी भारत एकता मिशन के अंतर्गत आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो दौड़ अंबेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर यहां से K10 बालाजी चौराया और अंबेडकर चौराहे पर समाप्त हुई। यह आयोजन बेटमा पुलिस और नगर सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। भूपेंद्र पंचोली, नगर संयोजक, नगर सुरक्षा समिति बेटमा। वल्लभ भाई पटेल की 147 जयंती पर बेटमा में मैराथन हुई, जिसमें मैंने फर्स्ट सतपाल सिंह और सेकंड यश वर्मा और थर्ड पे भाई ने विकास सिंह ने मारा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग सभी लोग मिलकर के राष्ट्रीय एकता दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस दिवस का मेन जो लक्ष्य हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, क्योंकि उन्होंने हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत प्रयास किए हैं। उसी चीज़ को सभी लोगों के सामने सभी लोगों को इसी के बारे में बताने के लिए हमने रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम रखा था आज। ये रन फॉर यूनिटी है, आज जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनकी जयंती है आज, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज इस रनिंग, ये जो रनिंग होने वाली है उसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों हम उनके जन्मदिन पर इस चीज़ को आयोजित क्यों कर रहे हैं, क्या किसी को नॉलेज है? पता है क्यों मना रहे हैं आज हम एकता दिवस? है किसी को पता? किसी को भी नहीं पता है? तुम तो स्कूल के बच्चे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो क्या हुआ था, वो अलग अलग टुकड़ों में ऐसी कुछ रियासतें बनी हुई थी। तो तब क्या किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने क्या किया, उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करी, जिससे क्या हुआ, एक पूरे भारत का निर्माण हुआ। तो इसलिए, क्योंकि क्या होता है, एकता मतलब क्या होता है, एकीकरण होता है, उन्होंने इंटीग्रेशन किया है हमारे देश का, इसलिए आज के दिन हम इस एकता दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा भी कि नहीं, कि हमारे देश के वो पहले गृह मंत्री रहे हैं, पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है। आपको हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में तो पता ही होगा कि कितना स्ट्रगल करने के बाद में हमने, तो उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उन्होंने देश की एकता के लिए बहुत सहयोग किया, इसी के लिए आज हम ये रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।